Okay, hi guys, welcome back to Class of Learning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide for today's class. And today we're going to work out the letter writing. Now, what does it mean letter writing? Letter writing for class 10 students. आपने कहा 10 students के लिए letter writing क्या matter करती है? And how can we rule out the letter writing in a certain class? That's really important. तो आज की क्लास में जो हमने डिस्कस करना है वो होगा सिर्फ letter to editor. We're going to work out letter to editor. So we need to clear one thing before working on letter to editor. में आपको उसके format से लेके till last एक-एक चीज on tip चाहिए. We have to work out each and everything that is in letter writing to editor. आपने कहा letter writing to editor में क्या है, concept क्या होंगे, किन चीजों को add करना है. You have to go through it. पहले concept clear करते हैं कि letter writing जब हम कर रहे हैं तो letter writing किसके लिए लिखी जाती है. वो फॉर्मेट क्या होगा? फॉर्मेट की बात करते हैं सर, सेंडर एड्रेस, डेट, नेम ऑफ एड्रेसी, उसका एड्रेस, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट एंड देन द बॉडी. लेकिन यहां पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है क्वेश्चन का. सो आई वांट यू टू राइट डाउन अ क्वेश्चन. यू आर राहुल और सविता, दैट यू कैन राइट डाउन, राइट डाउन योर प्लीज. यू आर राहुल और सविता, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स. आई मस्ट से द क्वेश्चन इज, so here we have to start up. Now you are Rahul or Savita, write a letter to the editor of Hindustan Times complaining about the unavailability of Kendriya Bhandars in your area. You are living at 15/4 Patel Nagar, New Delhi. That would be your complete question. इस question को आपको workout करना है, कौन सी चीजें दिमाग पे रखनी है and how can you deal with this question. तो पहले concept clear हो गया, is a letter to editor. That's we are doing a letter to editor. The concept must be clear. इस letter to editor करना है, क्या क्या चीजें on tip चाहिए. शुरू करना है question का base लेके चलते हैं. प्लेटफॉर्म हमारे पास क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन को कैसे आपने डील करना है. द फर्स्ट थिंग आपने कहा सर सेंड एड्रेस इज गिवन हियर 15/4 Patel Nagar, New Delhi. डेट क्या है हमारी? इट्स 2nd of June 2018. द एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स, New Delhi. Subject. अब जब सब्जेक्ट की बात आती है तो हमारे पास पहला टर्म क्या होता है कि सब्जेक्ट क्या आएगा. सब्जेक्ट क्वेश्चन से ही आता है, आपको उसको क्लियर करना है. तो क्वेश्चन में सब्जेक्ट बोला गया द अनअवेलेबिलिटी ऑफ केंद्रीय भंडार इस सुपर मार्केट शर्मा से. द अनअवेलेबिलिटी ऑफ केंद्रीय भंडार इन योर एरिया. तो आपने कहा टॉपिक आया सर हमारा अनअवेलेबिलिटी ऑफ केंद्रीय भंडार. सर ये आपका गया सैल्यूटेशन. अब एक चीज को बहुत अच्छे से पॉइंट आउट करना है कि हमें कहीं भी कॉमा यूज नहीं करना. वी कैन नॉट यूज कॉमा व्हाइल राइटिंग अ लेटर टू एडिटर. दिस मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो हमने यहां से शुरू किया, किसी तरह का कोई टू नहीं आएगा.
पीपल यूज टू राइट डाउन टू द एडिटर, सॉरी दिस इज नॉट परमिटेड, ये फॉर्मेट में कहीं नहीं है। तो आपने एड्रेस से शुरू किया, पहला क्लियर करना फॉर्मेट के नंबर होते हैं अगर वो ठीक ना हो तो। कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि हम फॉर्मेट ठीक लेते हैं तो नंबर मिलेंगे, सॉरी फिर कोई नंबर नहीं मिलते। फिर लेटर राइटिंग ठीक होनी चाहिए हमारी। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज दैट हाउ यू गोइंग टू राइट डाउन लेटर। तो फॉर्मेट चेक करना है आपको, यहां से स्टार्ट होगा। अब स्टार्ट करते हो किस चीज का ध्यान रखना है। पहली चीज बॉडी, जिसको हम बोलते हैं स्टार्टअप का मेन पार्ट बॉडी, इसके तीन पार्ट करना। फर्स्ट पार्ट इज ऑल अबाउट द बिगिनिंग ऑफ द लेटर राइटिंग। जब भी लेटर टू एडिटर होगी तो योर बेस्ट स्टार्ट वुड बी दो द हेल्प ऑफ दिस लेटर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज। आई रिपीट, थ्रू द हेल्प ऑफ दिस लेटर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी विद द हेल्प ऑफ योर कॉलम, विद द हेल्प ऑफ द स्टीम न्यूज़पेपर ऑफ योर कॉलम। ये वर्ड्स आप याद रख सकते हैं, यू कैन राइट डाउन दीज वर्ड्स एंड दीज आर प्रूव टू बी द रियली वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल यू गाइस। कैसे शुरू करना है, यू हैव टू स्टार्ट अप लाइक दिस, राइट ऑन प्लीज। थ्रू द हेल्प ऑफ दिस लेटर आई वुड लाइक टू ड्रॉ the attention of concerned authorities with the help of your steam न्यूज़पेपर कॉलम। अब ये पॉइंट आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, जब हम लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं तो हमें उसके पेपर को एड्रेस करना है, बिकॉज वी आर रियली सीकिंग द हेल्प ऑफ हिज न्यूज़पेपर कॉलम। तो वहां उसके स्टीम कहना इट्स बीन क्वाइट नेसेसरी। आपके लिए जरूरी कि आप कैसे हाईलाइट करते हैं, हाउ यू राइट डाउन दैट थिंग्स, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। पहली चीज हमारी होगी थ्रू द हेल्प ऑफ दिस लेटर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी with the help of esteem newspaper column, with the help of your esteem newspaper column। अब यहाँ पे आपने ये start था, it was just the start। अब पहली चीज आती है जो सबसे जरूरी है किसी भी letter writing के लिए, वो होता है what you are talking about, and then what you are talking about is your subject, and your subject is the unavailability of केंद्रीय भंडार or the supermarket, you can say that। तो यहाँ पे हमने वो add on करना है। The next part is to add your subject here, that is really very very important। तो आपने यहां किया, as you know the importance supermarkets, as you know the importance of supermarkets nowadays, where everything is becoming costly day by day, अब यहां पे आपको पहले बेस क्लियर कर देना, तब आप सब्जेक्ट को एड ऑन करेंगे। यू नीड टू क्रिएट अ बेस, वो आपने किया है यहां पे। आपने कहा As you know the imports of the supermarkets nowadays and everything is becoming costly day by day, in that time really in our area we don't have any supermarket or the Kendriya Bandhar, that is the basic point that you are writing a letter to somebody। Hum jis cheez ko likh rahe hote hain hame usko highlight karna bahut zaruri hai, the way you address yourself that is really important। So yahan pe aapne kaha as you know the importance of the supermarkets nowadays where everything is becoming costly day by day and the unavailability of supermarket in the particular area makes things worse, so play with the words। yaad rakhna writing letter karte hue hame words ke sath khelna hai, we have to play with words।
रीडर को लगना चाहिए कि आपके वर्ड्स बहुत अच्छे हैं, आप एक्यूरेटली चीजों को यूज कर रहे हैं, यू आर यूजिंग ईच एंड एवरीथिंग इन अ परफेक्ट मैनर, दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड. So here you can say that supermarkets nowadays where everything is becoming costly day by day, in that case and the unavailability of Kendriya Bhandars in our area where a large population lives is really very necessary. यहाँ पे request side बतानी है आपको, उसको बताना है कि जरूरी क्यों है. तो ये तो था सिर्फ subject को highlight किया हमने, अभी कोई point नहीं किया. तीन चीजें जो हमें इसके अंदर add on करनी है, वो तीन चीजें क्या क्या होंगी अब हम बताएंगे. conditions क्या है, कौन सी कंडीशन प्रिवील कर रही है. यू कैन यूज अ सर्टेन प्राइसेस, दोज आर बीन बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्राइसेस इन सुपरमार्केट्स एंड ओपन मार्केट, वो हाईलाइट करेंगे. देन हम क्या चाहते हैं, व्हाट वी वांट. यहां पे लास्ट फेज हमारी तरफ से हम क्या चाहते हैं, व्हाट वी एग्जैक्टली वांट. तो हमें उसे बताना दैट वी वांट द केंद्रीय बाजार टू बी ओपन इन आवर एरिया एज सून एज इट पॉसिबल, एंड इट कैन बी पॉसिबल व्हेन द रियली your agency or you really think that you the editor they are going to print this data in your paper and the authority would take immediate action and that will prove to be very beneficial for all of us to grab good results. So this is the way that you need to apply in letter writing. This was the class where I am trying to teach you how to write letter in perfect sense. So abhi ki letter maine sirf aapko first beginning diye. नेक्स्ट वीडियो जो आने वाले हैं जिनमें आपको लेटर राइटिंग पूरी बताऊंगा, आई एम गोइंग टू वर्क आउट द कंप्लीट फेज ऑफ लेटर राइटिंग फॉर यू. तो इट्स अ क्लास वेयर यू हैव टू डू योर ओन वर्क कि आप इस लेटर को पूरा करें एंड चेक आउट फॉर द नेक्स्ट क्लास. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो विद अदर पीपल इफ यू थिंक इट्स वर्थ टू वॉच एंड शेयर. कैच यू वेरी सून विद